राकेश मारिया को मुंबई पुलिस का कमिश्नर बनाने का मुंबई पुलिस के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है। नाराजगी जताने के लिए डीजी अहमद जावेद छुट्टी पर चले गए हैं, जबकि विजय कामले ने अपनी नई पोस्टिंग का चार्ज ही नहीं संभाला है। बांद्रा की गलियों से निकला एक लड़का आईपीएस बन के कमिश्नर की पोस्ट के लिए आज चार्ज लेने के लिए आया है, तो ये एक आईपीएस ऑफिसर का सपना है। राकेश मारिया ने मुंबई का पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाला ही था कि अगले दिन पूर्व एडिशनल डीजी अहमद जावेद छुट्टी पर चले गए। अहमद जावेद भी मुंबई के कमिश्नर बनने के रेस में थे। तकनीकी रूप से उनका प्रमोशन कर उन्हें डीजी होमगार्ड का पद दिया गया है, लेकिन वो बिना चार्ज लिए छुट्टी पर चले गए। सूत्रों के मुताबिक अहमद जावेद इस्तीफा देने की सोच रहे हैं, वो वीआरएस भी ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीनियर आईपीएस अफसर विजय कामले भी कमिश्नर बनने की दौड़ में थे। कामले को ठाणे पुलिस कमिश्नर का पद दिया गया है, लेकिन उन्होंने चार्ज नहीं लिया। दरअसल राकेश मारिया उन दोनों ही अफसरों से जूनियर है, लेकिन अब पुलिस अधिकारियों तक रही ये लड़ाई राजनीतिक मैदान में भी पहुंच गई है। बीजेपी मराठी कार्ड खेल रही है। बीजेपी का कहना है कि मारिया के मुकाबले एक मराठी अफसर को सीनियर होते हुए भी दरकिनार कर दिया गया, जबकि आरपीआई के रामदास आठवले का आरोप है कि दलित होने की वजह से कामले को मौका नहीं दिया गया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस खुद भी मारिया की नियुक्ति पर सवाल उठा रही है। मैं ये बात स्वीकार करने को तैयार हूँ कि आज सारे अखबारों ने जो लिखा है इस तरह का उन्होंने लाइन लिया है कि भाई एक माइनॉरिटी का और एक शेड्यूल कास्ट के आदमी को इस पद पे मौका था, वो नहीं दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ गृह मंत्री का कहना है कि मारिया की नियुक्ति को सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। पुलिस दल में खाली खाकी वर्दी देखी जाती है, किसी की जात धर्म पंथ पक्ष नहीं देखा जाता, और आज तक महाराष्ट्र में ये देखा नहीं गया, देखा नहीं जाएगा। कहा जाता है कि खाकी वर्दी का कोई जात और धर्म नहीं होता, लेकिन मौसम चुनाव का है और इसी के चलते महाराष्ट्र के कुछ राजनेता इस पूरे मसले को जातिवाद का रंग देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं।